अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपका, कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। जी हाँ, मेरी ये भी दुआएं हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जी हाँ, मल्टी टच मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफ़ीक। जी हाँ, एक और नए लोगो डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, नए आने वाले लोगो डिज़ाइन। इसके अलावा इंट्रो सीरियल भी मैं जो है जल्द स्टार्ट करने लगा हूं। तो मेरा यही ख्याल है कि 3-4 लेक्चर जो है आपको लोगो डिज़ाइन के हवाले से बनाकर दे दूँ, उसके बाद जो है ना जल्द ही जो है ना इंट्रो की और इसके अलावा बाकी 3D पिक्चर की और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके, मैं वो भी आपके लिए मैं लेकर के आऊँ। जी हाँ, आपसे यही गुजारिश रहती है हमेशा कि ये जो है लोगो के हवाला से जो भी पीछे डेटा होता है काफ़ी मेहनत तलब होती है, बहुत ही मेहनत लगती है इसके पीछे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, देता हूँ पूरा प्रोजेक्ट। इसमें जस्ट आपने सिर्फ अपना लोगो आपने रिप्लेस करना होता है और उसके बाद आपने सिंपली रेंडर लगा देना होता है। तो वो कैसे करना है, रेंडर कैसे करना है, तो उसके लिए मैं जो है ये लेक्चर आज का दूसरा ट्यूटोरियल मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, तो जिन दोस्तों ने फिर यही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं जो है आज का लेक्चर जो है ना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आज का लेक्चर जो है हमारा 3D लेंस के हवाले से है। 3D लेंस लोगो पैक है, ये मैंने बनाया है, तो ये आपको मैं दे रहा हूँ और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप जो है ना इसे एंजॉय कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना, तरीकाकार क्या है, उसके लिए क्या करना होगा, आपने सिंपली यही फोल्डर आपने जो है ना लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक से आपने डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही खुलेगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर इसको जो है ना डबल क्लिक करना है तो ये अडोब आफ्टर इफेक्ट में खुलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ जो अडोब आफ्टर इफेक्ट का ये वर्जन है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, ये है अडोब आफ्टर इफेक्ट 2015 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी जो है प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ सामिन, ये है सिंपल सा जो है खुल गया है आपके सामने, विंडो आ गई है, तो ठीक है। ये मल्टी चार्ज टच के हवाले से ये सारा कुछ मैंने ये पहले तैयार किया हुआ है। आपने करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट लोगो है, ठीक है, इंसर्ट जो है लोगो आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ये विंडो खुलेगी आपने यहाँ पे, जैसे मैंने ये लोगो लगाया हुआ है, आपने ये अपने वाला लोगो लगा लेना है। कैसे लगाना है ये आपको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपसे फिर कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये लोगो आ गया, यहाँ पे आपने सिंपल इसकी स्क्रीन एडजस्ट आपने कर लेंगे, जितना ब्लैक है ब्लैक के अंदर अंदर ही आना चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये इससे बढ़ गया तो फिर ऐसा समझोगा कि आपका लोगो कट के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आपने ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद है आपका दो टेक्स्ट मैंने डालिया, ठीक है। एक तो आपका पूरा कंपनी नेम आ जाएगा कि इसमें आप कंपनी नेम, जैसे मैंने ये मल्टी टच मीडिया के हवाले से मैंने ये रखा है, मल्टी टच मीडिया है, ठीक। और इसके अलावा दूसरी टेक्स्ट जो है वो है, वो भी मल्टी टच मीडिया की, यानी कि वेबसाइट आप रख सकते हैं। पहले से आप डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि पूरा आपने अपना कंपनी का नाम लिख देना है। जैसे आप एक लोगो होता है, लोगो बेसिकली आप एक कंपनी का एक थोड़ा सा मोनो होता है या डीमो कह सकते हैं, और उसके अलावा जो है ना उसकी कंपनी के पीछे आगे जो है ना पूरा उसका फुल नेम होता है। तो फर्स्ट टेक्स्ट में आपने जो है ना उसको कंपनी का पूरा नेम लिख देना है, और सेकंड जो है उसके अंदर आपने वेबसाइट या फेसबुक देना चाहते, जो कुछ भी आप देना चाहते उसमें आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट आ जाएगी जो आप लिखना चाहें, ठीक है। और इसके अलावा जब ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा तो यहाँ पे वाइट रेड ये आ गया, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये प्ले हो रहा है, ये देखें, ठीक है।
ये मल्टी टच मीडिया जैसे मेरा है, और नीचे उसके मल्टी टच मीडिया मैंने वही टेक्स्ट लिख दी है क्योंकि जो है मैंने कोई इसका नहीं लगाया, तो ये सिंपल ही लिख दिया है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसमें अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट वगैरह मैंने लगा दिया, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड टू है, ये सारा कुछ, ये जो देखें आप देखें ना, मैं आपको चलो ये भी ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी आपको मैं समझा दे जाऊँ। ठीक है, ये लाइट है, लाइट का कलर ये है, आप इसमें से फिर चेंज कर सकते हैं चेंज जितने, और इसका जो है दूसरा लेंस ये देखें रेड कलर है। ठीक है, इसको आप यहाँ से जाएंगे मास्क, ये मास्क टू है। ठीक है, इसमें जो है सारी इसकी जो है ना सेटिंग होती है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप इतने नंबर झंझटी में ना पड़ें। ठीक है, क्योंकि आपने एक मुख्तसर सा काम करना है। ठीक है, मुख्तसर काम में जाएं और अपना जो है काम करें। ठीक है, ये बहुत ही लंबी चीज़ें होती हैं, फिर लंबी इसमें पढ़ना ये बहुत मुश्किल। ये देखें इसमें एक एक चीज़ की सेटिंग होती है, रिवाल रिफाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें भी। अब ये रिवाल हो रहा है। ठीक है, ये जैसे पूरा पूरा सेटअप हो रहा है, ये सिर्फ जस्ट रिवाल्विंग के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, रिवाल्व फिर इसके आगे आप देखें, ये एडजस्ट है इसके। ठीक, ये देखें कितना है, कितना कुछ करना पड़ता है। ये देखें, ये कट के आ रहा है, ये क्या कर रहा है। ठीक, ये बहुत ही जो है ना, मतलब ये है कि पेचीदा काम होता है, इसमें आप लंबा इतना ना पढ़ें, जस्ट आप अपना लोगो रिप्लेस करें, टेक्स्ट अपने रिप्लेस करें, और उसके अलावा आप यहाँ पे चले जाएँ कंपोजिशन में, ऐड टू रेंडर की हुआ है। ठीक है, ऐड टू रेंडर की हुआ है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड भी आपके नज़र सामने नज़र आई है, क्या है, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, यहाँ पे चलें, यहाँ पे चलने के बाद आपने यहाँ से आपने क्वालिटी चेक करना। एक चीज़ आपको बता दूँ, हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि क्विक टाइम एक्सपोर्ट ही करनी, आरजीबी प्लस अल्फा ही करनी है। यहाँ पे एनिमेशन आपने स्टार्ट करनी है और ओके कर देना। ठीक है, ये ओके हो गया, और इसके अलावा आपने कर लेना है यहाँ से डेस्कटॉप पे, मैं रेड वाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल ही जो है ना वो रेंडर पे लगा देना। ये देखिए, ये 9-10 सेकेंड का है, ये हो रहा है। ठीक है, ये 4-5, ये छोटा मैंने, मतलब ये है कि बिल्कुल ये सादा सा है, सादा तो नहीं है लेकिन ये है कि फास्ट रेंडर करने वाला है। तो मेरे पास जो सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सॉरी एग्जोन का है, Z600 वर्क स्टेशन है, और इसमें तकरीबन 1.5 GB के अबव जो है ना ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करें अच्छा सिस्टम यूज़ करें ताकि आपके रेंडर जो है ना फास्ट रहे। यहाँ पे कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, आपको शुरू में स्टार्ट में ये लोगो आपको सारा कुछ दिखा दिया, और इसका जो है सारा कुछ मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपसे यही गुजारिश है कि मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, उसके बाइज आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, पूरी प्रोजेक्ट फेल दे रहा हूँ। तो आप ऐसा करें कि मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हाँ अगर आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही, कुछ बात आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट सेशन में इसका कमेंट भी दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो है इसको क्लियर कर सकूं, यानी कि जो भी आपका मसला है उसको मैं क्लियर कर सकूं। जी हाँ, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कराते रहिएगा, अपने नेक तमन्नाओं में नेक दुआओं में मुझे यानी कि मोहम्मद रफ़ी को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।